आई हैव सोल्ड माई फॉर्चुनर. यस, मैंने फॉर्चुनर सेल कर दी है. घर हिंडा के ना, पूरा घर हिंडा के, मतलब ये रूम बेसिकली, इस रूम से तो बाहर में निकला ही नहीं. देखो ये कितना साफ सुथरा लग रहा है ना, हाँ एकदम साफ सुथरा. ये भी कितना साफ सुथरा लग रहा है ना, और ये देख लो डिफरेंस देख रहे हो. हाँ अब क्या है ना कि दोनों बच्चे नहीं है ना, ये देखो जूते आराम से जूते वूते रख के भाई चाबी ले लिया है और चलते हैं सीधे यहाँ से ऑफिस के लिए. क्या भयंकर गर्मी हो रही है यार, क्या भयंकर गर्मी हो रही है. ओ भाई अभी तो सुबह के कितने बजे हैं, अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30, और 9:30 बजे ना ऐसा लग रहा है कि गाड़ी जैसे तप गई है. तप गई है मतलब लिटरली तप गई है. बगलो भैया इसका एक तो टेम्परेचर डाउन करो, थोड़ा सा एसी तेज करो. और रियर क्यों चल रहा है भाई, रियर नहीं चाहिए, आगे चाहिए सारा. एक तो इसमें ना सेटिंग भी ना थोड़ा ज़्यादा अंदर जाके देखना पड़ता है. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. कैसे हो आप, खुश? खुश रहना चाहिए यार, खुश रहना इम्पोर्टेंट है. अपने जो व्लॉग्स है ना, स्केड्यूल से एक दो दिन लेट चल रहे हैं. तो मतलब बेसिकली कल रामनवमी था, और आपको सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं. अब देखो रामनवमी तो भगवान का दिन तो हर दिन ही होता है यार. हाँ जब भी भगवान को दिल से याद कर लो वो भगवान का दिन. बाकी कल स्पेशल डे था, एंड क्योंकि मैं घर पे अकेला हूँ तो ज़्यादा पूजा वगैरह नहीं कर सकता. हाँ ऑफिस में जोत वगैरह जला देते हैं, एंड वो कर लेते हैं, भगवान को याद कर लेते हैं. और जी हमारे इस गाड़ी ने कंप्लीट कर लिया है 10,075 किलोमीटर्स, मतलब 4,000 पे ये गाड़ी लेके थे. एक बार कैमरा इधर लगाते यार, आराम से हाथ फ्री होके बात करेंगे ना. तो इस गाड़ी को हम लेके आए थे, वो लाए थे 4,000 किलोमीटर्स में, और 10,075 किलोमीटर ऑलरेडी हमने कवर कर लिया अपनी इस लाडो में. हाँ इस गाड़ी का नाम है लाडो. हाँ धन्नो फॉर्चुनर लाडो ये. बाकी धन्नो से याद आया एक चीज़ बताऊंगा आपको. कल मैंने कैमरा उठाया नहीं क्योंकि दिन भर इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड था, बट एक चीज़ के लिए मैंने कैमरा उठाया था. एक बार ऑफिस पहुँचता हूँ फिर आपको बताता हूँ. तो लाडो ने 10,075 कवर कर लिया. और ये आपको पता होगा, ये जो लाडो है ना अपनी ड्रीम कार थी. मतलब अपन बहुत क्लियर थे कि अपने को कौन सी गाड़ी चाहिए और वही चाहिए, क्योंकि भाई जो चीज़ इतनी शिद्दतों से और मेहनत से मिले ना उसकी अहमियत ही आपके ज़िंदगी में कुछ और रहती है. और ये जो 10,000 है प्रमहरली, उसमें 4,000 के आसपास तो इस मुंबई वाले ट्रिप पर हमने कवर किया, प्लस 2,000 किलोमीटर के आसपास स्पिति कवर किया. अभी हिमाचल का एक और प्लान है जो कि बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे ना काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशंस में हम इस गाड़ी को लेके जाने वाले हैं. मैं और अज्जू भाई का प्लान है, तो अज्जू भाई से भी वो डिस्कशन चल रही है अपनी. मोस्ट लाइकली अपन इस मंथ के लास्ट तक निकलेंगे वहाँ पे, क्योंकि अभी कुछ रोड कंडीशंस ना वहाँ पे बहुत ख़राब है और रोड बंद कर दिए गए हैं. प्लस यार जब ये गाड़ी ले रहे थे ना, तो ये ड्रीम कार को जब ले रहे थे ना, और आप चैनल पे अगर पुराने हो तो मेरा एक ड्रीम ट्रिप भी है. ठीक है, जो ड्रीम ट्रिप जिसको कहते हैं ना कि भाई अपने को यहाँ पे ट्रैवल करना है, उस ड्रीम ट्रिप को हम प्लान कर रहे हैं एग्जीक्यूट करने का इसी साल विद इन ए नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स. और वो ट्रिप होने वाला है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा लंबा होगा और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा. आई होप के उस ट्रिप से भी आपको उतना ही मज़ा आएगा जितना मैं एक्साइटेड हूँ ना. मतलब मैं ग्रेजुअली एक बार जब चीज़ें हो जाएंगी तब मैं रिवील कर दूंगा. बहुत सारी चीज़ें चेंजेस देखने को मिलने वाली है आपको. ये हमारे एस्टन और मार्टिन के लिए ना एक गिफ्ट आया है, ये देखो एस्टन और ये मार्टिन. इनके गले में जाएगा अभी ये, अभी जब ये आएंगे ना वापस इसको रख लेते हैं. थैंक यू अशोक भैया. तो अभी मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ. मेरा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए मैं यूज़ करता हूँ बिनोमो ऐप, जो कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ट्रेडिंग करके पैसे अर्न कर सकते हैं.
प्लस इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया है, तो वहां से जाके इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। प्लस मेरा प्रोमो कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इससे आपको मिलेंगे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। तो एक बार आपको इंटरफेस दिखाता हूं। तो जी ऐसा दिखता है कुछ बिनोमा का इंटरफेस। यहां पे जो मेरा फेवरेट है वो है 5ST यानी कि 5 सेकंड रेट, और यहां पे अपन 5 सेकंड में अपने को पता चल जाएगा कि अपन का रिजल्ट क्या है। तो जी यहां पे ना मैं ग्राफ ऊपर जाएगा तो मैंने अप पे ट्रेड लगाया और अपने को बस 5 सेकंड रुकना है। ये 3 2 1 यस, ये देखा फटाफट इजी है यार। चलो यहां पे एक और ट्रेड करते हैं और इस बार डाउन की तरफ मैं ट्रेड करता हूं कि ग्राफ नीचे जाएगा और ये देखो कितना सिंपल है। और बिनोमो में आपको ना इनवाइट फ्रेंड का भी ऑप्शन मिल जाता है, जहां पे आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हैं, अगर वो रजिस्टर करता है तो आपको उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। और जी बिनोमो ऐप की सबसे अच्छी बात क्या है, यहां पे आपको डेमो अकाउंट मिलता है, प्लस मिलता है $10,000, जहां पे आप डेमो अकाउंट से ट्रेड करके ट्रेड सीख सकते हैं। उसके बाद जाके आप रियल अकाउंट में रियल मनी से ट्रेड कर सकते हैं। तो भाई वेट किस चीज का कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया, वहां से जाके अभी जाके बिनोमो ऐप को डाउनलोड करो। साथ में मेरा प्रोमो कोड जरूर यूज करना, क्योंकि इससे मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। प्लस इसके साथ साथ चल रहा है यहां पे गिव अवे, जो कि है 30 अप्रैल तक, जहां पे आप जीत सकते हो एक रॉयल एनफील्ड 350 प्लस आईफोन 15 प्रो प्लस बहुत सारे क्रिकेट एक्सेसरीज साइंड बाय दीपक चहल। एंड ये गिव अवे सिर्फ 30 अप्रैल तक है, प्लस इसका रिजल्ट भी 30 अप्रैल को आएगा। तो वेट मत करो, अभी जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके बिनोमो ऐप को डाउनलोड करो और मेरा प्रोमो कोड यूज करो और मजे लो। चीज आपको बताता हूँ, बट ये प्रॉमिस करो कि उसको सुन के ना आप गुस्सा नहीं करोगे और समझने की कोशिश करोगे। बाकी पीछे एंडेवर दिख रहा है और BYD, इन दोनों गाड़ियों पे हम शूट कर रहे हैं ETU स्टूडियो पे। भाई ये एंडेवर जो खतरनाक लग रही है, चुम्मेश्वरी टच वुड, इस पर पहले ना काम हुआ था और उसके बाद जो हमने इस पर किया है ना, ज़बरदस्त। पहले ये क्लिप देखो, ये कल की क्लिप है। कल मैं पूरे दिन पूरे टाइम ऑफिस में इतना ऑक्यूपाइड था ना कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला, और प्लस मेरे पास एक दिन का पेंडिंग व्लॉग भी था, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला। ये क्लिप देखो और उसके बाद मैं बताता हूँ कि मुझे बताना क्या है। पर देखो अल्टीमेटली तो बताना ही है, तो पहले देख लो उसके बाद बताता हूँ। कैसी लगी गाड़ी चलाने में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ ऑनेस्टली बताओ, आप तो फॉर्च्यूनर, आपके पास इतनी सारी है। नहीं नहीं बहुत बढ़िया, और मतलब ड्राइविंग योर कार इज अ प्लेजर ऑलवेज। कुछ ऐसा हम प्लान कर रहे हैं, अभी आपको बताते हैं। पहले तो अभी भैया गाड़ी चला रहे हैं, तो अभी गाड़ी का एक टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं हम। भाई फिलहाल हम फॉर्च्यूनर से आ गए हैं LC में, और क्यों देवशीष भाई आए हैं वो अभी आपको थोड़ा ऊपर चलेंगे फिर बताएंगे। फिलहाल तो हम सर को एक राइड करा रहे हैं इससे, ठीक है। कैसी आपको अभी फॉर्च्यूनर में बैठे, अभी LC में बैठने के बाद? ऑनेस्ट ओपिनियन, ऑनेस्ट फीडबैक। LC इज लाइक junior Rolls Royce, I can say. Junior Rolls Royce. You can have a Rolls Royce, but you cannot have a LC without a struggle. Seriously. Yeah, तो LC तो LC है यार. LC है. चलो भाई. तो ये मिल गया, मैं यही खरीदूँगा. हाँ ये मिलती तो नहीं है. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस गाड़ी की. मतलब आप अभी मुझे ना किस्सा बता रहे थे ना वहाँ के लखनऊ. हाँ लखनऊ में. हाँ. मिली नहीं, मैं पूछ नहीं मतलब जो ओनर अच्छा, जो ओनर जो है, जो शोरूम के ओनर है, वो तक वेटिंग में है कि उनको गाड़ी मिल जाए. हाँ. बट स्टिल आई डोंट नो व्हाट हैपेंस. आपको अभी एक बार मैं इसका 3.3 लीटर V6 इंजन का फील एक देता हूँ. मतलब अंदर बैठने का तो फील तो एकदम ही अलग है, मतलब फॉर्च्यूनर से बहुत अलग है. और अंदर एक बार ना अभी मैं आपको वो फील देता हूँ. भाई एंडेवर अपनी जा रही है और ये देखो क्या जबरदस्त लग रही है. और सामने फॉर्च्यूनर ब्लैक, हाँ करण सैगल की गाड़ी, बहुत तगड़ी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है गाड़ी भाई. बाकी करण की गाड़ी में ना DF नहीं है, तो मैं तो DF का डीलर हूँ ना, तो मैंने कहा भाई DF हम डलवा देते हैं आपकी गाड़ी में. ये लो जी ये DF. अच्छा एक टैंक तो इधर ही पड़ा ही हुआ है, चलो कोई नहीं ये डलवा देंगे. 5 लीटर में तो आधा फुल हो जाएगा भाई, फिर कोई लोड ही नहीं. मैं अपने साथ ट्रिप पे जाता हूँ ना तो ये कैरी करता हूँ, क्योंकि ना फॉर्च्यूनर में ना ये फॉर्च्यूनर की बीमारी है, ये DF ना इसीलिए ख़त्म होता रहता है. अब देखो मेरे पास इसीलिए हमेशा अवेलेबल रहता है, जब मैं जाता हूँ तो टॉप अप करा लेता हूँ और 1-2 कैन 3-4 कैन ऐसे ना रख लेता हूँ. बिना DF के अगर ये बंद हो गया ना फिर सर्विस सेंटर जाएगी, अगर बंद कर दी गाड़ी तो बंद है, फिर नहीं चलती. फिट होके जाइए तो फिट होके. हाँ तो ठीक है, 5 लीटर बहुत है, अभी वार्निंग हट जाएगा, सब चीज़ हट जाएगा. अच्छा वैसे इसमें कितना डलता है? 10 लीटर का ही टैंक है.
अभी इसमें ना एकदम इसमें 8 लीटर के करीब आता। अच्छा हाँ, तो मतलब टैंक अच्छा भर जाएगा। एलसी में आता है 20 लीटर। चार ऐसे दो चार लगेंगे, ऐसे चार लगेंगे, लेकिन वही है 20 लीटर में 6,500 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलेगी। मैं मेरे ड्राइविंग पे, और मैं फॉर्च्यूनर चलाऊँ तो 2,500 से 3,000 में ख़त्म। मैं इस पे बैठा हूँ ना भाई, और ये कितनी बड़ी लग रही है भाई, ये इतनी क्यूट कार है, इतनी क्यूट कार है ना, बहुत क्यूट यार, बहुत क्यूट। और भाई सही में मतलब ज़बरदस्त यार, बहुत ही ज़बरदस्त। हैंड ब्रेक नीचे, ओहो हाँ अब हो गया ना। इसको हम अंदर लगा रहे हैं, कल से इस पर जो कैलिपर वगैरह का बहुत सारा काम था, बहुत तगड़ी बनने वाली है, इस पर हम वीडियो भी शूट कर रहे हैं। तो अपन निकल लिए फिलहाल घर को, और टाइम हो रहा है 8:10, और आज हमारे साथ हैं दो स्पेशल गेस्ट, अशोक भैया के साथ हैं एस्टन और मार्टिन। एक तो देखो पीछे एकदम सो गया है ना, मस्त, क्या मस्त सोया है ना, इसको मजा आ रहा है। एसी ऑन हो गया था, बहुत आराम, हस्की है ना, इसको गर्मी ज्यादा लगता है। और भाई अपन यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि इनको खाना वाना सारी चीज़ें खिलाना है, तो अशोक भी आज मेरे साथ घर ही जा रहे हैं क्योंकि इनका खाना वाना सारी, एक के ऊपर एक सो रहे हैं ना ये, तो अशोक भी आज इनका खाना वाना सारी चीज़ें करेंगे, फिर ये रात में मेरे साथ एसी में मस्त तरीके से सोएंगे। भाई दोनों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, फुल नवाबी भाई, फुल नवाबी। हाँ मतलब ऐसा लग रहा है ना, मस्त पीछे साहब बैठे हैं दो लाट साहब के साथ, और अपन ड्राइवर की तरह मस्त चल रहे हैं। हाँ देख रहे हो इनकी बदतमीजी, हाँ पूरा दरवाजे पे, और ये यहाँ से इस पे, ओए चल ठीक है जा 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 जा, खोल दिया। देख वो भाग गया। अरे तू मेरे पीछे क्यों है, ये देखो, इनको ये देखो इतने भुखड़ हैं, क्या मेरे पीछे क्या चाहिए, अशोक भैया देंगे। क्या चाहिए, ये ना एक्चुअली बदनाम है कि ये बदमाशी करता है, बट एक्चुअल बदमाश तो ये है, ये जो शरीफ आपको दिख रहा है ना, ये शरीफ है नहीं, ये देखो, हाँ, लटक जा मेरे पैर पकड़ के, लटक जा, हाँ, और वो देखो उधर अलग अलग जगह दोनों चले गए ना, और तो मैं पैर तो छोड़, हाँ बेटा तू शरीफ है ठीक है, बदमाश एक्चुअली ये है, लेकिन तेरे को ये बिगाड़ देगा मुझे पता है। देखो भाई ये जो लॉन्ग जंप मार रहा है ना, तूने देखा कैसे कूदा ये, देखा तूने, सीखना मत तू, मुंह हाथ फूट जाएगा। क्या चाहिए, आ जा। तो ये मैं बिल्कुल, मेरे दिमाग से निकल गया था कि कल मैंने आपको एक क्लिप दिखाई थी, अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा था, सुबह सुबह का टाइम है, रात भर पूरी रात इन दोनों के वैसे मैं सो नहीं पाया पूरी रात, ये दोनों 15 मिनट सो रहे हैं और उसके बाद 2 घंटे तक दरवाज़ा, मेरा मुंह, हर ये देख रहे भाई, कभी मुंह पे चढ़ रहे हैं, कभी दाढ़ी नोच रहे हैं, कभी टी शर्ट नोच रहे हैं, कभी चद्दर हटा दे रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसे कर रहे हैं पूरी रात, ऐसे करते रहे पूरी रात, और पूरी रात मेरी आँखें ऐसी, अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी अभी मैं सुबह सुबह वीडियो एडिट कर रहा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मैंने जिस चीज़ के लिए आपको बताया था वो क्लिप दिखाई थी वो तो मैंने बताया ही नहीं, वो मैं भूल ही गया, तो इनके आने के बाद ना मैं इन्हीं में लगा रहा। हाँ देख ये देख रहे Q2 को, हाँ Q2 ओए Q2 भाई, अभी सो जाने दो क्योंकि अभी भाई दम कर दिया नाक में दम। तो आई हैव सोल्ड माई फॉर्च्यूनर, यस मैंने फॉर्च्यूनर सेल कर दी है, और फॉर्च्यूनर के लिए ना मेरे को बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि आप फॉर्च्यूनर हमें दे दो, और कुछ लोग भी आए थे, बट आई एक्चुअली वॉन्टेड कि जिसको मैं जानता हूँ ना उसके पास गाड़ी जाए, ताकि मैं टाइम टू टाइम ना गाड़ी के बारे में पूछ सकूँ, वो होता है ना क्या एक इमोशनल कनेक्ट बहुत है। बहुत सारी वीडियोस में मैंने बोला है कि फॉर्च्यूनर से मेरा अंधा प्यार है, अंधा प्यार। अब इसका देखो प्राइमरली 2 रीज़न है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, एंड आई होप आप वो चीज़ समझोगे भी। अभी वो गाड़ी ना सिर्फ खड़ी है, और सेम चीज़ जो थार के साथ हो रही थी ना कि
फॉर्च्यूनर आने के बाद थार खड़ी होगी, ऑफ रोडिंग नहीं कर रहे, कहीं नहीं जा रहे। फॉर्च्यूनर जितनी अच्छी ऑफ रोडर लैंड क्रूजर नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स अप्रोच एंड डिपार्ट एंगल, एंड देन उसके पार्ट्स बहुत महंगे हैं, प्लस उसके पार्ट्स सारे के सारे टोयोटा जापान से आएंगे, सीबी यूनिट है गाड़ी, बट वो गाड़ी सिर्फ खड़ी है। अब मैं उसको ना ज़बरदस्ती चला रहा, आप सोचो मैं लैंड क्रूजर पे एवरी मंथ आई एम पेइंग ईएमआई, फॉर्च्यूनर पे एवरी मंथ आई एम पेइंग ईएमआई, ठीक है, इंश्योरेंस ये वो, तो मिला जुला के ना वो मेरे लिए एक एक एसेट के जगह ना एक लायबिलिटी है। मैंने उस गाड़ी को बहुत अच्छे से रखा, बहुत अच्छे से रखा, और बहुत मतलब एवरी थिंग अबाउट दैट कार इज़ फैक्ट्री कंडीशन में जैसे बोल सकते हैं ना वैसा। एक्सीडेंट भी हुआ उसके बाद, बहुत लोग कहते हैं भाई एक्सीडेंट एक्सीडेंट, भाई देखो एक्सीडेंट में सिर्फ और सिर्फ भाई चैसी इंजन कुछ टर्बो तक भी इम्पैक्ट नहीं था, मतलब वो गाड़ी इतनी पावरफुल है, एंड उसका आगे का फ्रंट का डैमेज हुआ, हेडलाइट चेंज कराया एक्सीडेंट के बाद, उसमें मैंने उस गाड़ी में करीबन 15 से 18 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाए, 15 से 18, और कभी सोचा नहीं यार कि ये पैसे लगाने चाहिए, नहीं लगा, मैं जितनी भी गाड़ी जब तक भी रखूँगा, अभी 3-4 दिन पहले भी मैं उसकी एक आवाज़ के लिए टोयोटा उसको लेके गया, क्योंकि यार मेरे पास रहे किसी और के पास रहे, गाड़ी हमेशा वैसी रखनी चाहिए, हमारे वर्कशॉप पे भी जब गाड़ी आती है तो गाड़ी हमेशा ऐसी करके दो कि बंदे को लगे भाई अपना समझ के किया है, तो एग्जैक्टली वही है। अभी तो फिलहाल 1 महीने के करीब तक ये गाड़ी मेरे पास रहेगी, क्योंकि अभी इसका लोन क्लोजर होना है, लोन इसका क्लोज करेंगे और उसमें 15 दिन लग जाएंगे, और लोन क्लोज होने के बाद फिर इसका NOC आएगा, फिर इसका RC पे मतलब इसका नंबर चेंज होगा, तो जो भी ये प्रोसेस है वो चलता रहेगा। बाकी ये गाड़ी मैंने सेल कर दी है और ये गाड़ी अपने नए घर जाएगी, जब भी जैसा भी होता है वो आपको बता दूंगा। प्लस मेरा भी मैंने बताया था एक इतना लंबा ट्रिप है जहाँ पे मैं काफ़ी टाइम के लिए बाहर उस ट्रिप पे रहूँगा, और उस ट्रिप पे ना BMW चलेगी ना फॉर्च्यूनर चलेगी, ठीक है, सिर्फ LC ही चलेगी। तो वो गाड़ी मैंने बड़ी शिद्दत से ली लैंड क्रूज़र, और फॉर्च्यूनर को कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है, कोई रिप्लेस नहीं कर सकता उस गाड़ी को, उस गाड़ी का जो रुतबा, उस गाड़ी का जो, आप जब तक फॉर्च्यूनर चलाओगे नहीं ना आपको समझ में नहीं आएगा कि वो गाड़ी एक्चुअली है क्या। लोग कहते हैं ओवर प्राइस्ड है, ये है भाई ओवर प्राइस्ड, उनको शायद लगता है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर उनको दूसरा कुछ वैल्यू फॉर मनी लगता है, बट अगर आप फॉर्च्यूनर चला रहे हो किसी फॉर्च्यूनर वाले से पूछना, वो आपको बता देगा कि भाई वो गाड़ी क्या है, ठीक है। अगर वो 20 लाख रुपये महंगी भी होगी ना तब भी वो फॉर्च्यूनर ही रहेगी, और उसी तरह से बिकेगी जैसे वो बिक रही है, ना कभी उसका कोई कंपटीशन था ना आगे आने वाले सालों में उसका कोई कंपटीशन रहेगा। टोयोटा टोयोटा है, और वो चीज़ ना जब आप एक टोयोटा की गाड़ी ओन करते हो ना फिर आपको पता चलता है। लोग कह रहे हैं ना एंडेवर आएगी सब खराब हो जाएगा, मतलब फॉर्च्यूनर का मार्केट खराब, एंडेवर पज भाई एंडेवर पजेरो बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं, मतलब बहुत अमेजिंग, मैंने फोर्ड की भी गाड़ी चलाई, फोर्ड बहुत अमेजिंग है। इस सेगमेंट में फॉर्च्यूनर का कोई टक्कर नहीं है, टक्कर नहीं है भाई, फॉर्च्यूनर का कोई टक्कर नहीं है। एंडेवर नो डाउट, व्हाट एन अमेजिंग कार यार, इतना अमेजिंग, इतने फीचर्स, इतना मतलब जो रुतबा फील होता है। बट फॉर्च्यूनर का एक अलग बेस है यार, फॉर्च्यूनर वाला बंदा एंडेवर ले सकता है, एंडेवर वाला बंदा फॉर्च्यूनर ले सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पे। बट अगर मैं बात करूँ कि फॉर्च्यूनर का मार्केट हमेशा से स्ट्रांग था, स्टार्टिंग फ्रॉम Day 1 टिल टुडे, और आगे भी रहेगा ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है कि मुझे गलत लग रहा हो, बट आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर एंडेवर। अब देखो LC के मतलब ये फॉर्च्यूनर जाएगी तो डेफिनेटली अभी तो नहीं, बिकॉज अभी कुछ अलग से प्लान्स चल रहे हैं, बट या ये प्रॉमिस है ये जाएगी तो डेफिनेटली।